अरे उतर जाओ आंटी। आंटी अभी बताती हूँ आपको। जी उतर गई हैं आप? कैसा लग रहा है? फाइनली हम लोग कुल्लू पहुंच गए हैं। अब बीज रिवर का चुल्लू भर पानी पियेंगे। क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं। चलो भाई। मैं लेके जाऊंगी वो बना दी। हाँ बैग के ऊपर बैठ जाओ। तो ये हो रहा है नया एडवेंचर। ओह माय गॉड। और छोड़ू दरवाजा बंद कर लो। गुड ऑसम खतरनाक एक नंबर बॉस। गए यार यहाँ पर एक पंगा हो गया। साला कैमरे का बैग वहीं छूट गया। हे भगवान यार कोई लेके ना जाए प्लीज। मैंने भी नहीं किया ध्यान कि तुमने रखा है। अगर ये किसी ने नहीं उठाया होता मतलब वैसे तो कोई। हाँ भाई नहीं कोई और भी तो उठा सकता है ना। नहीं नहीं, नहीं और कोई नहीं उठाएगा। ऐरा गैरा कोई भी बंदर उठाएगा यहाँ तो कोई भी बंदर। फिर मेरे को शाम को ये बैग अंदर रखना पड़ेगा। हाय गाइस वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। सो फाइनली आज हम लोग जाने वाले हैं मनाली। तो आज की जो राइड होने वाली है वो है चंडीगढ़ से मनाली। लगभग 300 किलोमीटर की राइड होने वाली है। तो फटाफट निकलते हैं और मिलते हैं आपसे अब डायरेक्टली बाइक पे। तो फाइनली गाइस हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है यार। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फॉग भी है। मेरे वाइज़र और चश्मे दोनों पे फॉग आ रहा है तो चलाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर हो रही है मुझे। अब फटाफट चंडीगढ़ सिटी से निकलना है, हाईवे पकड़ना है। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, पीछे मेरी वाइफ भी बैठी हुई है। कैसे सामान एडजस्ट किया है मुझे को पता है। अभी मैं आगे रुकूंगा, जब स्टे लूँगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मैंने सामान कैसे एडजस्ट किया हुआ है बाइक पे। और हम दोनों लोग बैठे भी हैं फिलहाल आराम से। एक्चुअली क्या है ना, मेरी बाइक की सीट जो है वो थोड़ी लंबी है, इस वजह से मुझे कुछ खास प्रॉब्लम हो नहीं रही है। गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, हालत ख़राब हो गई। सिर्फ अभी 35 से 40 किलोमीटर ही गाड़ी चलाई है मैंने और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। कैमरे तक पे फॉग थी, वाइज़र पे, चश्मे पे। ओह माय गॉड, कपड़े गीले हो गए हैं, भरे ये वाले सारी जैकेट्स भीग गई है, सब कुछ गीला गीला हो गया है। इवन जैकेट वैकेट ये देखिए सब भीग गया है पूरा। अभी तो बहुत बचा हुआ है मनाली। ये भी लटक गई थी एडवेंचर करने के लिए। अब इनको समझ में आ रहा है इट्स नॉट दैट इजी। वैसे ठीक है, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ही गए थे। 40-45 चला रहे थे। और बहुत लोग मतलब जब साथ चलते हैं ना फॉग में तो बढ़िया रहता है, बट मेरे केस में क्या है ना कि सब लोग आगे आगे भागे जा रहे थे। टाइम हो रहा है 7:50 और हम लोगों ने चाय पी ली है। और ये रहा हमारा बैग। एक बैग मैंने ऐसे लगाया है, एक बैग ऐसे लगाया है ताकि दो लोग बैठ सके आराम से। चलें फिर रेडी। चलो भाई एडवेंचर के लिए फिर से स्टार्ट की जाए बाइक। यार गाइस फॉग देखिए, फॉग खतरनाक वाला है एकदम। चलो भाई थोड़ा शीशा साफ कर लिया जाए। क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं। चलो भाई मैं लेके जाऊंगी वो बना दी। हाँ बैग के ऊपर बैठ जाओ। देखो यार पीछे किसको हल कर। हाँ ये देखो डॉगी, डॉगी बाय 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 करो। अच्छा जय माता दी। बस मैं आराम से पहुंच जाऊं। फॉग में सबसे बेस्ट तरीका यही है ड्राइव करने का कि मतलब साथ साथ में चलो इन ट्रक बसों के, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके। मैं लगभग 10 किलोमीटर से इसको फॉलो कर रहा हूं, मतलब इतनी डिस्टेंस बना के चल रहा हूं। फाइनली हम लोग को पहाड़ की झलक दिख गई है और सूरज देवता भी आ गए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है चलाने में। हाँ फॉग हट गई ना तो काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है मुझे भी, क्योंकि यार बहुत डिफ़िकल्ट है फॉग में चलाना।
ऊपर से ठंड लग रही थी, वाइजर चश्मे पे फॉग आ रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, वेलकम। अब कहीं धूप मिलेगी, कहीं छाव, और इस तरह हम लोग पहुंच जाएंगे मनाली। पहाड़ों का सफर शुरू हो चुका है, और पहाड़ों पे ड्राइव करना आसान नहीं है दोस्त। गाइस लगभग 100 किलोमीटर कवर कर लिया है, 193 किलोमीटर अभी बचा हुआ है, तो हम लोग फिर से रुक गए हैं चाय नाश्ता करने। आलू का पराठा मैंने मंगा लिया और चाय। सेकंड ब्रेक है ये। अब ब्रेक कम से कम तो 70 किलोमीटर के बाद ही लेंगे, ये बीच बीच में क्या करें, एक है ना मैडम जी, तो उनकी बात ही माननी पड़ती है। यार मैं लग कैसा रहा हूँ, अजीब सा रहा, ये लगा रखा है, कैसा लग रहा हूँ यार। हम तो जैसे कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। राइड करने में ना हालत खराब हो जाती है। चल तो, मेरा कैमरा इतना गंदा हो गया है, पहले तो फॉग मिली तो पूरा भीग गया था, उसके बाद डस्ट चिपक गई है उसमें। और यहाँ पर एक डॉगी भी है जो आराम से मेरी बात सुन रहा है। ये देखिए, हेलो बोलो बेटा, हेलो। हाँ, नहीं बोलोगे? बोल रहा है अभी, रुको। नहीं बोलेगा, ठंड लगी उसको। ये तो लाड में आ गया, ये देखिए शेक हैंड भी कर रहा है मुझसे, मिट्टी लगा दी पूरी। हमारा ब्रेक खत्म हो गया है, अब हम लोग निकलते हैं राइड पे। टिन टिन टिन। फुल क्रॉस करते ही मनाली नहीं आएगा गुरु, अभी बहुत दूर है। गाइस अभी भी कहीं कहीं धूप है और कहीं कहीं फॉग है, मतलब फॉग पीछा नहीं छोड़ रही है फिलहाल। गाइस वो जा रही है ग्रैंड वितारा, और उसकी नंबर प्लेट भी नहीं पड़ी हुई है, इतनी चुल्ल मची है मनाली घूमने की। ट्रैफिक जैम नहीं है ये, पीछे कोई थोड़ा सा एक्सीडेंट हो रखा है, इस वजह से यहाँ थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, इसलिए पहाड़ों पे बहुत ही सेफली ड्राइव करने वाला है गाइस। ज़रा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आई लाइक इट। चलो भाई, चलो 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 चलो, वेरी गुड, शाबाश। ओफो, इसलिए मैं सावधानी से ही जाऊंगा, नो ओवरटेकिंग। अरे गर्दा उड़ा दीस। ये इधर जाता है शिमला, और ये लेफ्ट है मनाली, मोनाली। ये लेट्स गो, पहाड़ हर एंगल से ही अच्छे लगते हैं, किसी भी एंगल से आप पहाड़ को देखो, व्यू देखिए कितना जबरदस्त है। जा भाई जा, इसको लग रहा है टट्टी आ रही है, तभी इसको बहुत ज़्यादा जल्दी है। चल जा तू, कर ले आराम से बैठ के, रिलैक्स हो ले। कुल्लू 116, मनाली 162। ओह माय गॉड, बट मेरे मैप में 157 दिखा रहा है, तो मतलब ये बोर्ड गलत है। मनाली मनाली, सोलांग वैली में मस्त बर्फ के साथ खेलेंगे, हुर्रे। गाइस सोचो स्नोफॉल मिल जाए, मज़ा ही आ जाए। बर्फ़ तो मैंने देखी है वैसे, मैं मनाली एक बार जा चुका हूँ, बट अगर स्नोफॉल होते हुए दिख जाए या मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, मज़ा। Oh my God, what a view! वो देखिए गाइस, पता नहीं कौन सी रिवर है, मस्त लग रही है। मजा आ गया गाइस, बॉबी को बहुत ही मजा आ रहा है, लग रहा राइड पे। कुछ कुछ रोड है ऐसी है ना कि अलग ही फीलिंग दे रही है।
अंधा मोड़, यहाँ पर भैया अंधे मोड़ बहुत हैं, तो आंख बंद करके नहीं चलाने का, आंख खोल के चलाने का। ये मनाली 155 कुल्लू मंडी लेफ्ट हैंड साइड। ओके गुरु हो जा शुरू ही हूँ मैं। चल यार क्या मस्त पुल है गुरु, क्या जबरदस्त है। एक और टर्न मनाली के नाम। ये हाउ इज द जोश। हाँ सर यार बहुत मजा आ रहा है राइड करने में, और जितना मजा मुझे आ रहा है राइड करने में उतना ही मजा बॉबी को आ रहा है पीछे बैठने में। अंधा मोड़ आ गया भाई, अंधा मोड़। अच्छा दिखता वो मोड़ अंधा नहीं है इसको आग बंद करके लेकिन पार नहीं करने का। गाइस हम पहुंच गए हैं सुंदर नगर, और अभी पीछे बोर्ड लगा हुआ था, लिखा था मुस्कुराइए आप सुंदर नगर में हैं। ये तो मेरे लखनऊ से कॉपी किया हुआ है यार, तो लखनऊ में चलता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में, पता नहीं। ओफो 130 किलोमीटर के अप्रॉक्स बचा है मनाली, और टाइम हो रहा है 11:42। दिस इज सुंदर नगर, हार्ट ऑफ हिमाचल। यार ये बढ़िया लग रहा है, मस्त है ना, आई लाइक इट। गाइज यहाँ पर हम बहुत ही बढ़िया स्पीड से जा रहे थे, बट यहाँ हो गया है एक स्यापा। स्यापा क्या मतलब, रोड कटिंग चल रही है तो रोड कर रखा है बंद। पुलिस वाले अंकल जी बता रहे हैं कि लगभग एक घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। नहीं उतरो नहीं। तो ये हो रहा है नया एडवेंचर। ओ माय गॉड, और छोड़ू दरवाजा बंद कर लो। गुड। अच्छा सॉरी अंकल जी थे, मैंने छोटू बोल दिया। एक्चुअली क्या मेरी हाइट ज़्यादा है ना, तो मुझे सब छोटू ही लगते हैं। चलो बाइक का तो फ़ायदा ये है कि मैं आगे तो आ गया हूँ थोड़ा थोड़ा, बाकी पता नहीं। उतरो, खुल जा सिम। खुल गया। ओफो बहुत डस्ट है, मुझे तो लग रहा था कहीं 2:30 बजे तक खुलेगा तो बहुत लेट हो जाएगा, पर अच्छा हुआ 1:30 बजे खुल गया। निकलो चलो। अरे यार इससे पहले ये रोक दे, उधर के लोग निकल रहे हैं, इधर के लोग नहीं निकल रहे। बच गए, मुझे लग रहा था यहाँ भी रोक लेगा, फिर कहेगा भैया इतना टाइम लगेगा। पहाड़ पे जब भी आओ थोड़ा टाइम लेके ही आओ मतलब टाइम क्या, अब ये सब बीच में अगर ये सारे काम चल रहे हैं तो रुकना तो पड़ेगा ही आप लोगों को, है ना। हाँ चले आओ, उधर आ जाओ, कूद जाओ यार, प्लीज ड्राइव डोंट फ्लाई। ओ हो व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, ऑसम। ओ हो यार यही मैं उसमें देखता था वीडियोस, रील्स की वीडियोस में। ऑसम
यार बहुत मजा आ रहा है ऐसी सड़कों पे राइड करने का। बहुत बार ये रोड मैंने देखी है, वो भी वीडियोस में, आज मैं लाइव देख रहा हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल। गाइस आप लोग बताओ कैसा लगा नज़ारा कमेंट करके फटाफट। आई होप आप सब लोग को मज़ा ही आ रहा होगा यार इस राइड पे। क्या खतरनाक नज़ारे हैं, खतरनाक, एक नंबर बॉस। गाइस अटल टनल का छोटा भाई मिल गया है, इसका नाम नहीं पता लेकिन मुझे अटल टनल तो अभी मैं पहुंच नहीं पाया हूं, पर छोटा भाई तो मिल ही गया है इसका। ये भी काफ़ी लंबी सुरंग लग रही है मुझे, एकदम से अंधेरा आ गया था यार। मैं कहूँ क्या हो गया भाई, रोड बंद हो गई क्या। गाइस मनाली से पहले ही आपको राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग के काउंटर देखने को मिल जाएंगे, देखिए लाइन से लगे हुए हैं। और बीज रिवर में राफ्टिंग हो भी रही है, वो मैं शॉट नहीं ले पाया बट मैंने देखा था। और अभी भी मनाली बचा है 56 एंड कुल्लू 16, किला 110, ले 466 है एंड मनाली बस आने ही वाला है। पहले आएगा कुल्लू, उसमें हम थोड़ा पानी पिएंगे भर के चुल्लू, और उसके बाद निकल जाएंगे मनाली। ये कुल्लू ही है पता है, सामने हो रही है रिवर राफ्टिंग। अरे उतर जाओ आंटी, अभी बताती हूँ। आंटी जी उतर गई आप, कैसा लग रहा है। फाइनली हम लोग कुल्लू पहुंच गए हैं, अब बीज रिवर का चुल्लू भर पानी पियेंगे। मजा आ गया गुरु, मजा यार राइड करने में तो बहुत ही मज़ा आया, ज़बरदस्त व्यूज़ देखने को मिल गए। अब यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद निकल चलेंगे मनाली। अभी लिया है हमने एक छोटा सा ब्रेक कुल्लू में, और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेड ऑमलेट ले लिया है और दो चाय। कुल्लू को कहते हैं अलविदा और निकलते हैं मनाली की तरफ। तो यहाँ मैंने पता कर लिया ये हो रही है रिवर राफ्टिंग, हालाँकि मनाली में भी आपको मिलेगी। ओके गाइस यार यहाँ पर एक पंगा हो गया, साला कैमरे का बैग वहीं छूट गया। हे भगवान यार कोई लेके ना जाए प्लीज। शिट यार मुझे था ऐसा, मुझे लग रहा था कहीं छूट ना जाए, मैंने देखा और वही हो गया, इतनी बड़ी गलती। अरे यार तुम्ही ने उसमें रख दिया, और इसीलिए सब कुछ सामान ना अपने आंखों के सामने रखना चाहिए यार। जानू कहाँ गया वो, यही था ना। भगवान प्लीज यार, चलो भाई भगवान भगवान कोई इशू ना हो जाए। सही बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे बहुत। कहाँ था, यहाँ नहीं था, आगे वाले में था। भगवान भगवान यार कोई ना उठा के ले जाए उसे, रखा हुआ है, रखा हुआ है। उठा उठा जाके अंकल जी वो कैमरे का बैग उठा दीजिए, मैं भूल गया यार। थैंक गॉड है। हाँ अरे वो तो सही है, बट मेरी रोज जान अटक गई थी ना, इतनी बड़ी गलती आज पहली बार हुई है मुझसे। थैंक यू सो मच अंकल जी, और भगवान का लग लग शुक्र है यार कि बच गया। हाँ अगर ये मैंने भी नहीं किया ध्यान कि तुमने रखा है, अगर ये किसी ने नहीं उठाया होता मतलब वैसे तो कोई। हाँ भाई नहीं, कोई और भी तो उठा सकता है ना। नहीं और कोई नहीं उठाएगा, ऐरा गैरा कोई भी बंदर उठाएगा यहाँ से, तो कोई भी बंदर। फिर मेरे को शाम को ये बैग अंदर रखना पड़ेगा। अच्छा फिर कल तुम परसों जब भी मर्जी आते। हाँ। तो तुम मैंने मैगी खाई थी यार यहाँ पड़ा, तो तेरा सामान 100% मिल जाए। चलिए थैंक यू अंकल जी। अरे यार
ओ माय गॉड इतनी बड़ी मिस्टेक। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच, कुछ नहीं हुआ, थैंक यू। रिवर राफ्टिंग आपको लग रहा है सिर्फ कुल्लू में ही देखने को मिलेगी, यहाँ पर पूरी रोड पे पॉइंट्स बने हुए हैं, मतलब काउंटर्स बने हुए हैं राफ्टिंग के। आप बुक करिए, जाइए उनके साथ, आपको कार से लेके जाएंगे और उसके बाद वो राफ्टिंग करवाएंगे। वैसे राफ्टिंग का भी मज़ा तो अलग ही है, देखता हूँ यार मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। अभी तो फिलहाल मनाली पहुँच जाऊँ। वो गुलाटी मार रहा है, क्या मस्त है यार जबरदस्त लग रहा है, चिड़िया उड़ रही है कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत बढ़िया पैराग्लाइडिंग। फाइनली मनाली हम पहुंच गए, मतलब 2 किलोमीटर बचा है खाली। ऊपर बर्फ के पहाड़ आपको दिख रहे होंगे,